केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से हाल ही में NIRF 2023 यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को पीछे छोड़कर एक बार फिर IIT मद्रास ने टॉप पोजीशन हासिल की है। वहीं दूसरी रैंक पर IISc बैंगलोर और तीसरी रैंक IIT दिल्ली को मिली है। इसके साथ ही 14 नंबर पे IIT बॉम्बे और 5वें नंबर पर IIT कानपुर है। आपको बता दें, टॉप 10 की इस लिस्ट में 7 IIT, 2 इंस्टीट्यूट और एक मेडिकल कॉलेज शामिल है। वहीं बात करें टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स की, तो नंबर 1 पर IIT मद्रास, नंबर 2 पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, नंबर 3 पर IIT दिल्ली, नंबर 4 पर IIT बॉम्बे, नंबर 5 पर IIT कानपुर, वहीं नंबर 6 पर एम्स नई दिल्ली, नंबर 7 पर IIT खड़गपुर, नंबर 8 पर IIT रुड़की, वहीं नंबर 9 पर IIT गुवाहाटी और नंबर 10 पे JNU नई दिल्ली रही है। वहीं साल 2023 की टॉप 3 यूनिवर्सिटीज हैं, नंबर 1 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, नंबर 2 JNU, नंबर 3 जामिया मिलिया इस्लामिया। इसके साथ ही NIRF रैंकिंग में इस बार मेडिकल कॉलेज की लिस्ट नहीं बदली है। जिन्होंने पिछली बार टॉप 3 रैंक हासिल की थी, उन्होंने ही इस बार भी टॉप 3 रैंक पाई है, जिसमें एम्स दिल्ली, PGIMER चंडीगढ़ और क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर शामिल है। बात करें एग्रीकल्चर के टॉप यूनिवर्सिटीज की, तो नंबर 1 पे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, नंबर 2 पर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, नंबर 3 पर पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना, नंबर 4 पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, वहीं नंबर 5 पर तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर है। इसके अलावा टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट की लिस्ट में नंबर 1 पर भारतीय विज्ञान संस्थान बैंगलोर, नंबर 2 पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, नंबर 3 पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, नंबर 4 पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, वहीं नंबर 5 पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर शामिल है। क्या है NIRF रिपोर्ट? NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क हर साल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से यह रैंकिंग जारी की जाती है। इसमें भारत के शीर्ष विश्वविद्यालयों कॉलेजों की लिस्ट जारी की जाती है। यह लिस्ट अलग अलग कैटेगरी और सब्जेक्ट्स के आधार पर होती है, जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मेसी, लॉ, मैनेजमेंट। NIRF रैंकिंग की शुरुआत साल 2015 में हुई थी। देश में पहली बार यह रैंकिंग 29 सितंबर 2015 को लॉन्च की गई थी। इस साल NIRF का 8वां संस्करण है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।